शहरवासियों से। त्रिवेणी गौशाला बैतूल में ये गौ माता के गोबर से गौ में लकड़ी का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार ये संस्था के संचालक दीपक कपूर जी आपको गो कास्ट के बारे में पूर्ण जानकारी बताएंगे। हमारे यहाँ गौशाला में 250 गौवंश निवासरत हैं, उसके गोबर से हम लोग गो कास्ट गौ लकड़ी बनाते हैं, जिसको शमशान घाट में अरुवन के तहत प्रदाय किया जाता है। एक शव में 3 क्विंटल के लगभग गोबर की कंडा लकड़ी उपयोग में लगती है। इसके उपयोग से घी है, कपूर है, दूसरी सामग्री नहीं के बराबर लगती है। इसका उपयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण नहीं होता। लगभग एक शव की लकड़ी के बराबर 2 पेड़ कटने से बच जाते हैं भाई साहब। साथियों, इस गौ कास्ट की लकड़ी हम लोग 2500 रुपये प्रति शव के हिसाब से गौशाला को सहयोग राशि मिलती है। हमारा सभी से सहयोग है, मिलता है इसमें, और बराबर निरंतर सप्लाई बनी रहती है। इस प्लांट की लागत आप देख रहे हैं लगभग 70,000 रुपये है, और 3 मजदूर इसमें लगते हैं, और दिन भर में लगभग 50 क्विंटल की लकड़ी गौ कास्ट इसमें निकाल सकते हैं। अब हमारे अध्यक्ष श्री राजेश मेहता जी आपको संबोधित करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ये अधिक से अधिक स्थान पर इसका प्रयोग किया जाए, और सभी स्मशान घाट पे जहाँ जहाँ भी होता है लकड़ी का प्रयोग, वहाँ इसका प्रयोग करने से पर्यावरण एवं लकड़ी दोनों बचाई जा सकती है, पैसा भी बचता है, इस गोबर का उपयोग भी पूरा होता है, गौ माता की सेवा भी होती है, और गौशाला के संचालन में बहुत सहयोग भी मिलता है।